ओम शांति। 21 जून 2020 में बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें समझाया कि बच्चों को सर्व का स्नेही बनना है, जो 108 की माला वाली बात थी। दूसरी अव्यक्त मुरली जो एडिट थी उसमें बाबा ने हमें समझाया कि तुम बच्चों को अगर विश्व महाराजन बनना है, क्यों? क्योंकि बाप दादा विश्व का महाराज ही बनाने आए हैं, तो उसके लिए सर्व का स्नेही बनना होगा, सभी के दिलों पर राज्य करना होगा, है ना। स्वराज्य के साथ साथ दिलों पर राज्य की आवश्यकता है, वही आत्मा विश्व महाराजन बन सकती है। और देखा जाए तो अल्टीमेटली जो ब्राह्मण जीवन का हमारा सार है या बाबा की इस पढ़ाई का सार है वो यही है कि प्रेम लो और प्रेम दो, है ना। स्नेह लो और स्नेह दो, बांटो, खूब स्नेह बांटो, दिल खुश मिठाई खाओ, कहते हैं ना बाबा। तो ध्यान से देखा जाए तो मुरली की एक एक बात जो है वो स्नेही बनने की ओर ही इशारा करती है। मान लीजिए बाबा ने जैसे बालक सो मालिक कह दिया, तो मालिक सो बालक या बालक सो मालिक, ये वाली बात जो है ये अल्टीमेटली हमें स्नेही बनाएगा, है ना। हमारे बीच में जो प्यार है उस चीज को मेंटेन करेगा, चाहे जहां पे भी हम जिस भी लोगों के साथ रह रहे हैं, चाहे सेंटर पे रह रहे हैं चाहे घरों में रह रहे हैं, एक स्नेह की फीलिंग डेवलप करेगा, स्नेह डेवलप करेगा, है ना। अगर वो विशेषता हमारे अंदर होगी कि हम एक मास्टर की तरह सजेशन दें कि हाँ इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे ही करना चाहिए, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बच्चे की भांति उसको स्वीकार करें। जैसे एक बच्चा सजेशन देता है बिल्कुल मास्टर की तरह, घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, कि ये फूल नहीं पापा, ये फूल लगना चाहिए, मम्मा ये चीज ऐसी नहीं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, पर उसको मना भी कर दिया जाए तो उस चीज को बिल्कुल बिना किसी सेंस ऑफ ईगो के स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा जब नेचर रहेगा तो स्नेही तो हम बनेंगे ही, सर्व के स्नेही बनेंगे। वहीं बाबा ने हमें ये भी समझा दिया है, आए दिन भी समझाते हैं कि निंदा स्तुति में एक समान रहो, कोई तारीफ कर रहा है तो भी खुश रहो, दिल खुश मिठाई खाओ, कोई निंदा कर रहा है तो भी दिल खुश मिठाई खाओ। तो स्तुति हो या निंदा हो, कार्य उस पर आधारित ना हो, स्तुति आधारित ना हो, तो सर्व के स्नेही तो हम ऑटोमेटिकली बनेंगे। नम्रता, ह्यूमिलिटी रहेगी, हम्बल व्यक्ति को कौन स्नेह नहीं देगा। सर्व का स्नेही विश्व महाराजन बनने के ये सारे स्टेप्स हैं जो बाबा आज की मुरली में हमें समझाए हुए हैं। संस्कारों को जानकर एक दो के साथ स्नेह से कदम आगे बढ़ाने की बात बाबा ने कही। तो बहुत गहराई में सार रूप में अगर चीजों को देखा जाए तो ज्ञान बस इतना ही हुआ ना कि पुरानी दुनिया को छोड़ दो, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ दो, और जो नया कैरेक्टर डेवलप करो उसमें खूब प्यार, स्नेह, अफेक्शन, अनुराग समाया हुआ हो, बहुत मोहब्बत समाई हुई हो, है ना। बाबा प्रेम का सागर है, बाबा दिलाराम है, दिलों पर राज्य करता है। तो ऐसा राजा बाबा बनाने के लिए आए हैं, हम्बल बनाने के लिए आए हैं। सच्चाई, सफाई, ऑनेस्टी से किसको प्यार नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, है ना। सच्ची और सफाई की मतलब हमारी अंतरात्मा में किसी के लिए भूल कर भी कोई मैला या नेगेटिव तरीके का किसी के लिए थॉट ही क्रिएट ना हो, और वो तब होगा जब हम सभी चीजों से बियॉन्ड हो जाएंगे, सभी चीजों के इम्पैक्ट से खुद को दूर रख लेंगे। और इसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का बिल्कुल एंड है ये समझ ऑलरेडी दे रखी है। और सर्व संबंध एक के साथ हैं, तो शिकायत या डिमांड्स केवल एक के साथ। ओम शांति।